हाय एवरीवन, दिस इज अविनाश फ्रॉम अराउंड इंडिया। आज हम आपको बताने वाले हैं डिजिटल मिक्सर DM20 को ऑपरेशन कैसे करें। अभी चलते हैं, हम जो जनरली लाइव प्रोग्राम में यूज करते हैं, जैसे कि डिले और रिवर्ब को कैसे बस के माध्यम से यूज कर सकते हैं और दो इफेक्ट को मिक्स करके नया इफेक्ट बना सकते हैं, उसके बारे में चलते हैं। तो आपको पहले बस सेक्शन में जो भी चैनल को आपको डालना है इफेक्ट, तो आपको पहले चैनल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका बस सेक्शन में जाना है। समझ लीजिए, बस वन में हम रखेंगे डिले, बस टू में रखेंगे रिवर्ब। तो बस वन को और बस टू को सिलेक्ट कर लेना है और उसको प्री फेडर से पोस्ट फेडर मोड पे ले आना है और इसका जो वॉल्यूम है उसको हाई कर देना है। तो उसके बाद चलते हैं बस सेक्शन में। अभी देखिए, इसको कैंसिल करना है। देखिए, ये बस वन और टू उसको डेडिकेटेड हो गया है। तो अभी चलते हैं बस सेक्शन में। बस के लिए जैसे कि वन और टू को चैनल नाइन डेडिकेटेड हुआ है, तो उसके लिए हम बस सेक्शन में क्लिक करेंगे और जिसको हम सेंड करना है, जैसे कि लेफ्ट और राइट मास्टर को हमें सेंड करना है, या बस एट को, या बस सेवन को, या बस सिक्स को, या बस फाइव को सेंड करना है, तो उसी को क्लिक करेंगे। जैसे कि अभी लेफ्ट और राइट मास्टर के लिए वो ऑलरेडी क्लिक होके है, तो डिले के लिए हम डिले यूज कर सकते हैं। तो डिले वन यहां पर यूज किए हैं और उसके बाद बस टू में यहां पर डायरेक्ट क्विक सिलेक्शन टूल से चलते हैं। तो यहां पर हम रिवर्ब यूज करेंगे। हो गया रिवर्ब सेटिंग। तो अभी चलते हैं कि कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, देखते हैं। हेलो, माइक चेक 1 2 3। हेलो, देखिए, अभी मैंने बोला तो कुछ भी उसके साथ इफेक्ट नहीं आया, लेकिन हम इफेक्ट को डालने के लिए बस 1 और 8 बटन को प्रेस करना पड़ेगा। हेलो, देखिए, अभी बस 1 में हम अपने हिसाब से डिले को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अभी हेलो, अभी रिवर्ब जैसे बस 2 में भी कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो, और चाहे तो दोनों को भी एक साथ यूज कर सकते हैं। हेलो, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। बस में आप अपने इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बस में आप इफेक्ट को डाल के लाइव प्रोग्राम में आप उसको यूज कर सकते हैं बस के माध्यम से। चलिए जानते हैं कि आज हम एक चैनल का इनपुट सिग्नल को कैसे बस के माध्यम से सेंड करें और उसको यूटिलाइज करें। तो पहले जो भी चैनल का सिग्नल हम बस में सेंड करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट प्रेस करना पड़ेगा उसी चैनल को, या आप ऐसे टच करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने चैनल 1 को लिया है, उसके बाद सेंड बटन को प्रेस करना है। सेंड बटन का प्रेस करने के बाद हम जो भी बस को सेंड करना चाहते हैं उसको म्यूट प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद सोलो नॉब को दबा देंगे तो वो आकर 0 dB पे ऑटोमेटिकली
फिक्स हो जाएगा। अभी क्या हुआ ना, हमारा जो भी है हमने बस वन से आठ तक एक ही सिग्नल को हमने बस एक से आठ तक सेंड कर लिया। अभी चलते हैं बस सेक्शन में। देखिए अभी चैनल वन का सिग्नल सभी बस में है, उसके बाद हम उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि चैनल वन में हमने डिले यूटिलाइज कर सकते हैं, बस टू में हम रिवर्ब यूज कर सकते हैं, बस थ्री में हम जी की यूटिलाइज कर सकते हैं, बस फोर में हम मॉड्यूलेशन वन यूज कर सकते हैं। ऐसे हम बस की मतलब चैनल वन के सिग्नल को बस में सेंड करके उसके बाद उसके साथ जो भी इफेक्ट ऐड कर सकते हैं और बस को डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं कि हम जो हमारा जो आठ बस है उसको कैसे अच्छा आउटपुट चैनल की तरह यूज करें। तो पहले हमको जो भी सिग्नल को बस में सेंड करना है उसी चैनल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी चैनल वन को सिलेक्ट किया और उसके बस सेक्शन में जाना पड़ेगा और आपको बस को वन को उस पर असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आप चाहे तो ये चैनल वन के सिग्नल को बस आठ पे भी सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बस वन को सिलेक्ट किया और हर वक्त आपको पोस्ट फेडर मोड पे ही रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर प्री पे है, मैंने पोस्ट कर लिया तो, और उसके बाद आपका जो वॉल्यूम को भी हाई करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मैं चलता हूँ। जैसे कि इसको एक का असाइन कर लिया और आप यहाँ पर एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मतलब जो बस है उसको आज आउटपुट चैनल यूज कर रहे हैं और आप मास्टर फेडर को यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको मास्टर फेडर को सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद मैंने यूएसबी को करना चाहता हूँ, तो यूएसबी हमारा चैनल इसी में है तो उसको सिलेक्ट किया और यूएसबी को मैंने बस एट पे सेंड किया और मैंने लेफ्ट राइट को मास्टर को सिलेक्ट नहीं किया है। ऐसे ही आप आठों चैनल को यूज कर सकते हैं। तो बस वन को आज आउटपुट वन की फिजिकल आउटपुट वन पे देना है, तो पहले आप हम सेटअप पे जाएंगे, अभी सेटअप पे चले गए और वहां पर पैच का ऑप्शन है, वहां पर पैच में जाएंगे और जो आउटपुट वन है वो हम बस वन को देना पड़ेगा और जो एट चैनल में भी जैसे आउटपुट है हमें बस एट को देना पड़ेगा। ऐसे ही हम जो बस मतलब आउटपुट टू में हम बस टू को कर सकते हैं, बस आउटपुट थ्री में बस थ्री को कर सकते हैं, आउटपुट फोर में बस फोर को कर सकते हैं। तो आपकी रिकॉर्डिंग के अनुसार आप उसको सेटअप पैच अप कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं चैनल वन पे, चलते हैं चैनल वन का फेडर ऊपर लेना है। उसके बाद बस पे चलते हैं, बस वन को ऊपर करना है। अभी देखते हेलो हेलो हेलो। अभी देखिए हमने बिना मास्टर फेडर उठाए हुए आज बस वन को आज आउटपुट चैनल यूज कर लिया। हेलो 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 हेलो, माइक चेक वन टू थ्री, हेलो हेलो हेलो। तो अभी चलते हैं वैसे ही यूएसबी को बारे में। तो हमें पहले क्या करना है, यूएसबी को पहले जाकर हाई करना है। मैंने चैनल आठ पे ले लेता हूँ। Epicenters or other bass enhancement devices, as they will not be necessary for this track. ऐसा ही आप यूज कर सकते हैं एवरी बेस को आज आउटपुट चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like us, share us, if you need any comment below. Stay tuned for more videos.